हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शाही फैमिली में आपका स्वागत है। और आप सब कैसे हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अभी लास्ट मंथ में मैंने अपने लिए वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन किया है, तो यहाँ पर मैं कुछ रेसिपीज़ जो है वो वेट लॉस के लिए मैंने ट्राई किया है लास्ट मंथ में, जो कि मैंने अपलोड कुछ भी नहीं किया है। तो आई वॉज़ जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग ऑन मी, तो काफ़ी हद तक के वो सक्सेसफुल रहा है, तो मैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगी। मैंने अपने खाने के पैटर्न में कई सारे चेंजेस किए हैं, जो कि आप अभी आने वाली वीडियोस में देखोगे। और यहाँ पर मैं ज्वारी की रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी रिप्लेस किया है गेहूँ की रोटी को ज्वारी की रोटी या फिर बाजरे की रोटी से। गेहूँ की रोटी कम्प्लीटली बंद नहीं की है, वो कभी कभार 2 दिनों में या 3 दिनों में एक आध बार मैं बना लेती हूँ, पर ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ज्वारी की रोटी और बाजरे की रोटी ही यूज़ की है। और कंपलसरी सब्जियों में मोस्टली मैंने स्प्राउट्स यूज़ किए हैं, जो कि बड़े सिंपल तरीके से बनाए हैं। बस प्याज टमाटर और हरी मिर्च का छौंक है, और जैसे ही वो सॉफ्ट हो जाता है तो जो भी स्प्राउटेड अनाज है वो मैं उसमें ऐड कर देती हूँ, और करीब हाफ ग्लास पानी डालकर उसको मैं दम पर पका लेती हूँ। स्प्राउट्स में आप कोई भी स्प्राउट यूज़ कर सकते हो, मटकी, मूँग, चना, काबुली चना, तो जो आपको पसंद हो वो सारे ऐड कर दो। इंडिविजुअली बनाओ या फिर आप उसको मिक्स करके बनाओ, जैसे आपको पसंद हो आप वैसे बना सकते हो। तो मैं ऐसे करती थी, कभी मटकी तो कभी मूंग तो कभी चना तो कभी काबुली चना, कुछ इस तरह से मैंने स्प्राउट्स यूज़ किए हैं अपने खाने में। तो चलिए, अभी मैंने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है, और फिर उसको अभी मैं ढककर दम पर पका लेती हूँ। साथ ही साथ यहाँ मैंने अपने खाने पीने में जो कंपलसरी रखा है वो है सैलड। तो सैलड कई तरीके से मैंने बनाए हैं, तो आज जो मैं बता रही हूँ वो बस प्याज टमाटर, ककड़ी टमाटर और बीटरूट का सैलड है, जिसमें मैंने स्प्राउटेड मटकी डाल दी है। तो ऐसे कई सारे ऑप्शन से सैलड के लिए, तो वो एक एक करके मैं अभी नए वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ मैं जो भी शेयर कर रही हूँ वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपने लिए ट्राई किया है और जिससे मुझे काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और आप भी देखिए, ट्राई कीजिए, ये कोई कंपलसरी नहीं है। हर एक का बॉडी जो होता है वो डिफरेंट होता है, और उसी तरह से वो उसको रिएक्ट करता है। तो खाने पीने के तरीके में हम जो चेंजेस करते हैं वो हम बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं है, तो उस हिसाब से हम चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं खाने पीने में। मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें कंपलसरी रखी थी वेट लॉस के दरमियान, उनमें से पहला जो है वो है सैलड। मैंने कंपलसरी सैलड लिया है, मोस्ट प्रोबेबल दोनों खाने के टाइम पे लंच और डिनर के साथ मैं सैलड लेती थी। और डिटॉक्स ड्रिंक सेकेंड वन जो है वो डिटॉक्स ड्रिंक्स मैंने लिए हैं, और वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करूंगी अपने आने वाली वीडियोस में। और थर्ड थिंग जो है वो कि मैं टाइम पर खाना खाया करती थी, मेरा लंच और डिनर जो है वो टाइम पर ही होता था, ब्रेकफास्ट टाइम पर होता था। कभी कभार ऐसे हो जाता है कि 10-20 मिनट्स इधर उधर हो जाए, पर ज़्यादा से ज़्यादा मैंने टाइम्स मेंटेन करने की कोशिश की है। चौथी और आखिरी बात जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने फॉलो किया है अपने वेट लॉस के दरमियान, और अभी भी वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि जस्ट हार्डली 1 मंथ हुआ है जो कि मैं फॉलो कर रही हूँ, और उससे मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो वर्कआउट के लिए मैंने कोई जिम नहीं ज्वाइन किया है, तो बस यूट्यूब पर मैंने कुछ वीडियोज़ जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं और उन्हीं वीडियोज़ को मैं फॉलो कर रही हूँ। और अगर आप चाहोगे कि मैं आपसे शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी। तो चलिए, यहाँ पर मेरा डिटॉक्स ड्रिंक जो है वो तैयार हो गया है। तो आज जो मैंने बनाया है वो बीटरूट का डिटॉक्स ड्रिंक बनाया है। तो डिटॉक्स ड्रिंक बनाने के लिए भी आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, आप कुकुम्बर से बनाओ या बीटरूट या फिर कैरेट या फिर कोई भी फ्रूट्स आप यूज़ कर सकते हो डिटॉक्स ड्रिंक के लिए। तो वो एक एक करके मैं भी आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप देखना ना भूलें और वीडियोस को एंड तक के ज़रूर देखें।
तो चलिए मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि जो चार चीज़ें मैंने फॉलो की है अपने वेट लॉस के लिए और अभी भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो बस ये शुरुआत है और मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहली चीज़ है कि सैलड कंपलसरी रहे हमारे खाने पीने में। दूसरी बात, टाइमिंग्स हमने मेंटेन करना है खाने पीने को लेकर। तीसरी बात है डिटॉक्स ड्रिंक, जो कि लेना ही है हमने डेली, एटलीस्ट 3 to 4 glasses। और चौथी और आखिरी बात जो कि मैं कर रही हूँ वो है एक्सरसाइज। तो देखिए, आप भी ट्राई कीजिए, आपको किस हद तक के उसमें सक्सेस मिलती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।